हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमें ओरिएंटल रीजन अपना कवर करना है, ठीक है। और लास्ट जो हमारे ये हमारा फोर्थ टॉपिक है, तो मतलब कि मैंने इसकी पहले भी जितने भी रीजन थे उसको कवर अप किया है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पीडीएफ की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इस टॉपिक की भी दूंगी, ठीक है। तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कर लेना, ताकि आपको अगर इसके पीडीएफ वाले नोट्स चाहिए हों तो वो पहले से ही अवेलेबल हैं। किसी भी वीडियो की लिंक में आप जाके देख सकते हैं, फर्स्ट टू द लास्ट। हर वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक लगा दिया है, ठीक है। तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोज़ भी नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख लेना, ताकि आपका ये चैप्टर पूरा कवर हो जाए विद नोट्स, ठीक है। तो हमारा फोर्थ है ओरिएंटल रीजन, यानी कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो इसी एरिया के अंदर लाइक करता है, ठीक है, इसी रैलम के अंदर लाइक करता है। तो मेनली क्वेश्चन इस रीजन से पूछा जाता है, अदरवाइज ऑस्ट्रेलियन रीजन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इसकी जियोग्राफिकल फीचर्स से। रीजन इंक्लूड्स साउथ चाइना, यानी कि साउथ चाइना इसके अंदर इंक्लूड है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया का रीजन जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। मलाला ये वाला रीजन भी इसके अंदर इंक्लूड है। फिलीपींस जो है देश, ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद है ऑल्सो इंक्लूड इंडोनेशिया अप टू द वेलस लाइन, यानी कि इंडोनेशिया का जो रीजन वेलस लाइन के अंदर तक आता है वो भी इसके अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। अब इस एरिया के अंदर जो रेन फॉरेस्ट होते हैं या फिर जो इसके फिज़िकल फीचर्स हैं वो किस तरीके के हैं, मैंने इसी पॉइंट के अंदर लिख दिया है, हेडिंग नहीं बनाई। तो यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट होते हैं इस रीजन में पाए जाते हैं। अगर आपने इंडिया देखा या आपने मैप में, मैं यहाँ पे आपको शो कर दूँगी पिक्चर अटैच करके, तो इंडिया का जो ईस्ट वाला रीजन है उसके अंदर जो है रेन फॉरेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं। अगर आप नॉर्थ में जाओगे ऊपर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर वाली साइड जाओगे, तो उधर आपको काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स देखने को मिलेगा, हिली एरिया होता है। वेस्ट में अगर आप जाओगे तो राजस्थान वाला एरिया आ जाएगा, जहाँ पे डेजर्ट प्रेजेंट है, ठीक है, थार डेजर्ट हमारा इंडिया का, ठीक है। और उसके बाद आता है बट नो फिज़िकल बाउंड्री इन द साउदर्न पार्ट। और जो हमारी इंडिया की साउथर्न पार्ट है, यानी कि जो हमारा इंडिया का साउथर्न पार्ट है जो कि कोस्टल एरिया से घिरा हुआ है, वहाँ पे कोई भी फिज़िकल बाउंड्री जो है नहीं है, मतलब कि वहाँ पे और कोई तरीके का लैंड एरिया नहीं है जो उसके लिए फिज़िकल बाउंड्री हमें क्रिएट करनी पड़े। तो उधर का रीजन जो है हमारा सारा कोस्टल एरिया है, जिधर हमारा कर्नाटका, तमिलनाडु एंड ऑल दिस स्टेट्स आर इंक्लूडेड, ठीक है, तो वो जो है उनके अंदर उनके पास फिज़िकल बाउंड्री नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्लाइमेटिक फीचर, यानी कि यहाँ का क्लाइमेटिक फीचर क्या है। दिस रीजन इज़ ऑल्सो नोन एज वेराइड फिजिकल फीचर्स। ये काटा नहीं है मैंने, गलती से अंडरलाइन होते हुए ऊपर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि इस रीजन को फिजिकल वेराइड फिजिकल फीचर वाला प्लेस भी कहा जा रहा है। नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इज़ टेम्परेट, यानी कि जो इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पार्ट है, यानी कि जम्मू कश्मीर वाला हिली एरिया जहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा ही होती हैं, ठीक है, तो वो वाला जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेट है। ईस्टर्न पार्ट इंक्लूड म्यांमार, इंडो चाइना यानी कि वियतनाम को बोला जा रहा है, VIETNAM, ठीक है। इस एरिया के अंदर जो इंडो चाइना वाला एरिया, यानी कि वियतनाम और म्यांमार जो है उसको इंक्लूड किया गया है ओरिएंटल रीजन, ओरिएंटल रैलम के ईस्टर्न पार्ट के अंदर। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि ये वाला एरिया हो गया हमारा नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि ये वाला एरिया। जो यहाँ का एरिया होता है वो रेन फॉरेस्ट जो होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद है वेस्टर्न पेनिनसुलर पार्ट, यानी कि जो हमारा वेस्टर्न में पेनिनसुलर पार्ट है वहाँ पर डेजर्ट काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं। साउथर्न पोर्शन ऑफ इंडिया हैज़ लग्जूरियंट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी और जो इंडिया का साउथर्न पार्ट है, ठीक है, वो जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रॉपिकल है, मतलब वहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अदर कंट्रीज़ का एग्ज़ाम्पल दिया गया है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखा देती हूँ, ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, जो हमारे इंडिया का साउथ पार्ट है, हमने ये स्टडी कर लिया। अब इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड की गई हैं,
श्रीलंका है, इंडो चाइना है, मलयाला हैज़ थिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और जो मलयाला है यहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉपिकल है। उसके बाद आता है इसका जूलॉजिकल करेक्टरिस्टिक। इसके बाद इसके अंदर हम इंक्लूड करें यहाँ की जूलॉजिकल करेक्टरिस्टिक शो कंसिडरेबल रिसेम्बल्स टू इथोपियन रीजन। यहाँ पे जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा इथोपियन रीजन से जो है मिलती जुलती हैं। फौना इज़ वेरी रिच, जो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा, 153 फैमिलीज ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जो है फाउंड हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिशेस को देख लेते हैं यहाँ पे कैसी जो वाइल्ड लाइफ फॉर्म है पाई जा रही है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फिश, दे डू नॉट इंक्लूड प्रिमिटिव फिशेस डोमिनेटेड बाय कार्प्स एंड कैट फिशेस। यहाँ पे प्रिमिटिव फिशेस जो है इंक्लूड नहीं की जा रही है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रैब्स और कैट फिशेस जो है पाई जाती हैं। उसके बाद है होमेलोटेरिडोफाइट्स एंड क्रिस्टल पिडे, ठीक है, आर एक्सक्लूसिव टू दिस रीजन। ये जो ना फैमिलीज हैं, स्पीशीज़ हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव है, पिक्यूलियर है इस रीजन के अंदर। फिर आते हैं हमारे एम्फीबियंस, टेल्ड एम्फीबियंस आर रेयर। यहाँ पे जो टेल्ड एम्फीबियंस यानी कि जो एम्फीबियंस जिनकी टेल होती है बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, टेल्ड एम्फीबियंस आर। अब कुछ जो पाए जाते हैं मैंने उनका नाम लिख दिया यहाँ पे, बुफोनॉइड्स, रेनिड्स, हाइलिड्स, डिस्कोग्लॉसिड्स, ये जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं, भले ही रेयर हैं बट स्टिल जो पाए जा रहे हैं, मैंने नाम लिख दिया। अ फ्यू ऑफ सैलामेंडर्स एंड कोइसिलंस, अ फ्यू ऑफ सैलामेंडर्स एंड कोइसिलंस आर प्रेजेंट। यहाँ पे यानी कि सैलामेंडर और कोइसिलंस जो भी हैं ये भी प्रेजेंट हैं। उसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स, यहाँ पे रेप्टाइल्स कौन कौन से पाए जा रहे हैं तो हम इसको स्टडी करते हैं, कौन कौन से रेप्टाइल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड टर्टल्स आर प्लेंटीफुली, यानी कि यहाँ पे जो लिजर्ड्स की वैरायटी, स्नेक्स की वैरायटी, टर्टल की वैरायटीज काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही हैं। क्रोकोडाइल्स, गरीवाल्स, लेप्टोफिलॉप्स, पाइथन्स, वाइपर्स, पिट वाइपर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वाइड रेंज। यहाँ पे मतलब कि ये वाले जो रेप्टाइल्स हैं, लिजर्ड, स्नेक्स, टर्टल्स आर प्लेंटीफुल, क्रोकोडाइल्स, गरीवाल्स, लेप्टोटाइफल्स और पाइथन, वाइपर्स, पिट वाइपर्स जो हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज में यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे जो यहाँ पे बर्ड्स पाए जा रहे हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। 66 फैमिलीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे 66 फैमिलीज जो हैं बर्ड्स की वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सम एफिनिटीज, सम शो एफिनिटीज टू इथोपियन रीजन एंड ऑस्ट्रेलियन फोना। यहाँ पे जो बर्ड्स की वैराइटीज़ पाई जा रही हैं वो एफिनिटीज़ यानी कि सिमिलैरिटीज़ शो करती हैं टू द इथोपियन रीजन के बर्ड्स से और ऑस्ट्रेलियन रीजन के बर्ड्स से, ठीक है, फोना से। और कौन कौन से बर्ड्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो है वुडपैकर, हॉर्नबिल, सनबर्ड्स शो एफिनिटी टू इथोपियन रीजन, यानी कि जो वुडपैकर्स, हॉर्नबिल, सनबर्ड्स है वो यहाँ पे तो पाए जा रहे हैं और सिमिलैरिटी शो करते हैं टू द इथोपियन रीजन से। पैरट्स फ्यू, यानी कि जो पैरट्स होते हैं वो तो कुछ ही मिलते हैं, बट पीजन्स आर न्यूमरस, बट जो पीजन्स की नंबरिंग है ओरिएंटल रीजन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। पीकॉक्स, जो कि पीकॉक्स जो हैं आर कन्फाइंड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओनली, सब रीजन ओनली, ठीक है। जो पीकॉक्स हैं वो इंडिया का जो नेशनल बर्ड है, ये काफ़ी मतलब ये सिर्फ ओरिएंटल रैलम के अंदर ही पाया जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए शायद हमारे देश ने इसको हमारा नेशनल बर्ड जो है वो बना रखा है। नेक्स्ट है हमारे मैमल्स, जो मैमल्स होते हैं कौन कौन से देख लेते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट हैं 33 फैमिलीज ऑफ मैमल्स ऑफ विच 4 आर एंडेमिक एंड पिक्यूलियर टू दिस रीजन। 33 फैमिलीज जो हैं मेम्बर्स की पाई जाती है, आउट ऑफ विच जिसमें से 4 जो है एंडेमिक या फिर पेक्यूलियर या फिर आप कह सकते हो कि जो है एक्सक्लूसिव है टू दिस एरिया, ठीक है। बॉबिट्स, रैबिट्स, स्क्विरल, म्यूरेड माइस, डॉग्स, कैविट्स आर शेयर्ड विद पैले आर्कटिक रीजन एंड इथोपियन रीजन, यानी कि जो ये वाली फैमिलीज हैं बॉबिट्स की, रैबिट्स की, स्क्विरल्स की, म्यूरेड माइस की, डॉग्स की, केविटा सिविट्स की, ठीक है, ये सिमिलैरिटी शो करती है, ये जो है सिमिलैरिटी शो करती हैं टू द पैलियार्किटिक रीजन एज वेल एज इथोपियन रीजन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं
नेक्स्ट पॉइंट, मेल बियर टैपेज एंड डियर्स आर कन्फाइंड टू दिस एरिया. मेल बियर टैपेज और डियर जो है ये काफ़ी कन्फाइंड है, मतलब कि लिमिटेड है इसी एरिया के अंदर. एंडेमिक रीजन एंडेमिक और पिक्यूलर फैमिलीज जो हैं कौन कौन से हैं यहाँ पे, श्रियूज हैं, टॉर्टोइजेज है, स्पाइनी डोर माउस है, ठीक है. ये जो है इस एरिया के साथ जो है लिमिटेड हैं, पिक्यूलियर हैं, एक्सक्लूसिव हैं और एंडेमिक हैं. इन सबको आप इन सभी वर्ड्स को एक साथ यानी कि ऑप्शनल में यूज़ कर सकते हो. एक्सक्लूसिव मैं यहाँ पे ये पे लिख देती हूँ, ठीक है. तो आज का हमारा वीडियो इतना ही था. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उनके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, ताकि थोड़ा बहुत फ़ायदा उनको भी हो जाए, ठीक है. और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी. ज़रूरी नहीं है इसी सब्जेक्ट का होना चाहिए, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा तो भी चलेगा, ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एट द एंड